इस देश में सूरज निकलना बंद हो सकता है, लेकिन ससुराल में बहू के लिए टोका टाकी कभी बंद नहीं हो सकती। घर के कामकाज की छोड़ो, यहां तो अगर बारिश भी ना हो तो सास कहती है गलती बहू की है, इसी ने इंद्रदेव की पूजा नहीं की थी। बेटी को प्यार नहीं, तैयार करो घर संभालने के लिए, ताकि जब वो ससुराल जाकर बहू बने तो उसे डांट ना खानी पड़े। बातें मायके में समझी जाती हैं, ससुराल में तो बस बातें सुनाई जाती हैं, समझी नहीं जाती। मौसी की जनरेशन की सुनो तो ऐसा लगता है ससुराल ससुराल नहीं, कोई जेल है, पुलिस स्टेशन है, जहां बस दिन रात बहुओं पे इमोशनल अत्याचार होता है। ऐसे थोड़ी होता होगा, और अगर होता भी होगा तो हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना होने दे। तुम्हारी जनरेशन का बस चले ना तो सारे संस्कार को चूल्हे में जला दो। चूल्हे में क्यों दादी, माइक्रोवेव में भी तो कर सकते हैं। माइक्रोवेव में संस्कार जलते हैं, बेवकूफ कहीं का। हाँ दोनों मजाक लग रहे हैं, जब सोनू को ससुराल में इन सब का सामना करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। तो सोनू को ससुराल जाने की ट्रेनिंग दे देते हैं, जैसे आर्मी ऑफिसर्स या जासूसों को दी जाती है, कि जब दुश्मन पकड़ ले तो इंटरोगेशन में क्या बोलना है क्या नहीं। ऐसे होने वाले बहुओं को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए ना, है कि नहीं? खुदे तूने तो ससुराल को दुश्मन देश बना दिया। मैंने नहीं बनाया दादी, यू गाइस मेक इट साउंड लाइक अ दुश्मन देश। कार्तिक कुछ बातों का मजाक नहीं उड़ाया करता। लीजिए टाइम ट्रेवल शुरू, अब हम सब 18th सेंचुरी में जाने वाले हैं। टाइम के साथ सिर्फ फैशन बदलता है, वैल्यूज नहीं, और इस देश में तो बिल्कुल नहीं। कोई तो रीजन होगा कि इस देश में बड़े से बड़े टीवी सीरियल और फिल्मों में फैमिली और फैमिली वैल्यूज के बारे में बताया जाता है। कोई तो रीजन होगा कि इस देश में सबसे बड़ी हिट फिल्म हम आपके है कौन है। क्यों? क्योंकि इसमें फैमिली और फैमिली वैल्यूज के बारे में बताया गया है। हमारी फैमिली वैल्यू में भी हमें यही सिखाया गया है कि जो बहुएं होती है वो अपने ससुराल में सबसे ज्यादा काम करती है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उठाती है। और सुनो तू पहली लड़की नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, लाखों करोड़ों लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। दादी ने ऐसा किया है, चाची ने ऐसा किया अपने टाइम पे, दिस इज हाउ फैमिली वर्क्स। पर भाई देख कार्तिक, तेरी ये वोक बातें ना सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट यही है कि सोनू को अपने घर जाना है, अपने घर को संभालना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि सोनू को कभी भी कोई भी बातें सुनने को मिले, इसलिए हम इसे समझा रहे, कोई थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं कर रहे इसे। आजकल लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को घर के काम सिखाना, ससुराल के लिए तैयार करना, ये सब हजारों साल पुरानी बातें हैं। हाँ है, लेकिन कोई तो रीजन होगा ना कि इतने सालों के बाद भी लोग ये बात मानते हैं, कुछ तो है ना? या फिर इस कंट्री के सारे लोग बेवकूफ होंगे जो इतने सालों के बाद भी ये बात मानते हैं। ससुराल इज द रियल टेस्ट ऑफ अ गर्ल, और मैं अपनी बहन सोनू को इस टेस्ट के लिए रेडी करना चाहता हूँ। मैं अपनी सोनू को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं दुनिया की सारी सासों को तो बदल नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट अपनी सोनू को प्रोटेक्ट तो कर सकता हूँ। इट हैपेंस टू एवरीवन, सो बताइए ना चाची। हाँ बेटा, ससुराल में तो सहना पड़ता ही है। ओए शुक्र कर, तुझे मेरे जैसी सास मिली है। साथ में बैठ के चीयर्स करते हैं। मम्मी जी मुझसे पूछो मैंने क्या क्या सहा है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, गोल रोटी तक पकानी नहीं आती थी। फिर शादी हुई, बहुत ताने सुनने पड़े, इतने कि कान लाल हो जाते थे, लेकिन फिर सीखा, रो रो के आंसू बहा बहा के सीखा, लेकिन ताने पड़ने बंद नहीं हुए, क्योंकि पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है ना। रब की मेहर है, सोनू को सिखाने के लिए हम सब हैं, हमारी गलतियों से सीख ले बेटा। आई अग्री दादी, पर सीखने का प्रोसेस दोनों तरफ से होना चाहिए ना। आई मीन सरला आंटी और उस टाइप की सासों को अपनी बहू को बेटी की तरह ट्रीट करना सिखाना चाहिए। सब चाहते कि बहू सास को अपनी माँ समझे, बट सास का भी तो कोई फर्ज बनता होगा ना। सी यही प्रॉब्लम है और हम इसे ही एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मासी जल्दी से खाना ला दो, मुझे पुरानी दिल्ली के लिए जाना है। आज तेरी सगाई है इश्क, अगर देर हो गई तो मुझे करना होगा मासी, पर वही आपका गिल्ट
लोगों के ताने, हमारा डर कि लड़के वाले क्या कहेंगे, उनके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन कैसा पड़ेगा। एक लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाती है, एक लड़की होती है जो अपनी फैमिली से ज्यादा दूसरी फैमिली को प्यार करती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों में स्ट्रेंथ होती है। और तू, आप सब देखना कि हमारी सोनू को भी एक दिन इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी, वो भी अपना घर संभालेगी। हमने तो कभी कोई गलती नहीं की, फिर भी बचपन से ताने सुनने को मिले हैं। मैंने बचपन से देखा है, आपने मौसा जी को बर्दाश्त ही मेरी वजह से किया, ताकि मेरे सर पे छत रहे। इसलिए मुझे घर की इम्पोर्टेंस भी पता है और रिश्तों की भी। घर आपने नहीं टूटने दिया, रिश्ता मैं नहीं टूटने दूंगी। मेरी छल्ली सी इश्की इतनी रिस्पॉन्सिबल कब से हो गई? हमारी सोनू बाकी लड़कियों के जैसे इरिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये मेकअप तो बहुत छोटी बात है इसके लिए, इसे तो आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है। क्यों सोनू? चलो अब चल के तैयारियां करते हैं। मेरी सोनू ससुराल जा रही है, उसकी खुशी के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े मैं करूंगा। मयंक को अगर मेरी हेल्प नहीं करनी है तो ना करे। बात अब मेरी मौसी मेरे मायके की रिस्पेक्ट की है, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। चीपड़, मैंने तुझसे क्रिम्जन रेड मांगा था, ये ब्लड रेड है। तो ये लगा ले, लाल तो लाल होता है यार। तू शेड काट दे, लाल के कितने सारे शेड्स होते हैं, क्रिम्जन रेड, ब्लड रेड, चेरी रेड, गार्नेट रेड। यार हमें तो रामलाल, श्यामलाल, मागालाल, धरती का लाल, यही सब पता थे, ये कितने तरीके के लाल आ गए। तू मेरी हेल्प मत कर, वही सबसे बड़ी हेल्प होगी। मुझे लाल लगाने नहीं है, मैं पिंक लगा रही हूँ। तू इतनी मेहनत क्यों कर भाई? कार्तिक, करने दे रहे उसे, क्यों तंग कर रहे भाई? खुद को बिजी रखने के लिए कुछ तो करूंगा, अब हर कोई आपकी तरह इश्की इश्की करके खुद को बिजी तो नहीं रख सकता ना। भैया इश्की इश्की नहीं करते भैया, वो लड़की करते हैं। भाई उस लड़की को मैसेज कर रहे हैं। Hey रिया। हाय आहान। मैंने सोचा इतना टाइप कौन करेगा, सो आई थॉट आई कॉल यू। दैट्स सो यू। हाउ इज योर डे गोइंग? इट्स नाइस। पार्लर से लोग आने वाले थे सोनू का मेकअप करने, बट कोई आया नहीं। सोनू खुद का मेकअप कर रही है। मैं एक वीडियो भेजूं? इट्स सुपर हेल्पफुल। हाँ भेज दो, वैसे तो ये मैनेज कर रही है, पर भेज दो। ओके थैंक्स, बाय बाय। भाई आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे? मुझे ना कार लोन के लिए भी कॉल आता है ना, तो उस कॉल में भी इससे ज्यादा इमोशन होते हैं। आपने इसकी से ही बात किया करो, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन जो भी है एटलीस्ट इमोशंस तो दिखते हैं ना। शट अप कार्तिक। भाई आप प्रिया को भी इश्की के बारे में बताते हो, या ये इश्की सागा सिर्फ हमारे लिए? इश्की वाला लव ना 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 ना। Thanks a ton. Anytime. Have a nice day, Ishki. Ishki? Typo. ये पायल मेरे सर पे क्या कर रही है? तू मेरी हेल्प मत कर चीपड़े। भाई ये सोनू मुझे हेल्प नहीं करने दे रही है। आप इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? ओके सॉरी, नहीं कर रहा मैं सबके लिए हेल्प। सीटीएट की वजह से मैंने इश्की लिख दिया। Why did I have to type इश्की? अंकल मैं इश्की,
कॉल किया था रिंग के लिए। अच्छा अच्छा वो आप हो जी। अरे मैडम जी मगर आज तो आपकी सगाई है ना, आप खुद आ गई। तो जिनकी सगाई होती है उनके पाँव में मोच आती है, जो कहीं आ जा नहीं सकते। नहीं मतलब मेरा अंकल जी बातें छोड़ी ना, बातें मत कीजिए, मुझे अंगूठी दे दीजिए जल्दी से प्लीज। मैडम जी 10 मिनट लगेंगे, आप वेट कीजिए। अंकल जी 5:30 तक मुझे अपनी सगाई में पहुंचना है, मेरे पास सांस लेने का टाइम नहीं, आप कह रहे वेट करने के लिए। मैडम जी 10 मिनट का काम है, आपकी अंगूठी रेडी है, बस आप बता दीजिए कि थोड़ा देर हो जाएगी। निकल गई वहां से? नहीं मासी, थोड़ी देर हो जाएगी, आप बोल देना कि उसकी जॉब का सवाल है। बेटा तू अपनी सगाई में देरी से पहुंचेगी तो अच्छा एक काम कर, तू ना मयंक को कॉल करके बता दे कि तुझे देर हो जाएगी, वो सुमन जी को बता देगा, ठीक है? हाँ गुड आइडिया, गुड आइडिया। फोन ही नहीं उठा रहा, अब कैसे बताऊं? एक काम करती हूँ, मैसेज कर देती हूँ कि कॉल कर ले। कितनी सोनी लग रही है। अयो रब्बा मैं तेनू क्या सी ना, साड़ी सोनू कर लेगी, फिर भी 19-20 सही, लेकिन ससुराल जाने के लिए तैयार है लड़की। 19 या 20 मेगा प्योर माइंड दादी। अरे तो चुप नहीं रह सकता, हर बात में जवाब देना जरूरी है क्या? मम्मी टेक्निकली मैंने जवाब नहीं दिया था, मैंने सवाल किया था कि 19 या 20। तो ना कर सवाल, चुप रहा कर कभी कभी। दादी जब तक सर पर जिम्मेदारी ना हो ना तब तक सब कुछ 19-20 ही लगता है। और जब बात जिम्मेदारी की हो तो हमारी सोनू 100 में से 100 है। आई एम श्योर अपने ससुराल में या अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपनी गृहस्थी के इश्यूज ऐसे ही हैंडल करेगी जैसे इसने आज किया। हाँ भैया, और राज भी बहुत सपोर्टिव है, कुछ प्रॉब्लम हो ना हो, कोई हेल्प मांगू ना मांगू, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी। हमारा मयंक भी बहुत सपोर्टिव है और इश्की भी बहुत लकी है। भाई उस लड़की के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? वो लड़की जब यहाँ आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे। ओके That's so lovely, सोनू। मैं भी तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये इतना नाइस क्यों हो रहा है? लास्ट टाइम तो ऐसा नहीं था। सबको एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में कुछ था। ये पता चलते ही तेरी शादी टूट जाएगी, यही तो मैं चाहता हूँ सोनू। कहीं मैं इश्की को इसकी असलियत ना बता दूं, इस तरह से नाइसनेस का ड्रामा तो नहीं कर रहा। एनीवे मैं तो बता के रहूंगी। सरला आंटी 10 मिनट में पहुंच रही है। सप्पा, इसका मतलब 9 मिनट में घर तैयार करना होगा। पर 1 मिनट बचा के क्या करेंगे हम? थप्पड़ लगाऊंगी। इज्जत कहीं का? अरे तैयारी करो चल के जल्दी। सोनू सोनू मेरी बात सुन सोनू, मैंने आज तक तेरे साथ जैसा भी बिहेव किया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तू राज के साथ खुश है और मेरी भी इश्की के साथ एंगेजमेंट हो रही है। सोनू तू इतने खड़ी खड़ी क्या बातें कर रही है, चल आ मेरे साथ। मयंक सच में सॉरी है क्या? पता नहीं, पर जो भी है मुझे फौरन इश्की को सब बताना होगा। पर वो है कहाँ? आहान हाँ? जरा ये बॉक्स संभाल ले, मैं स्वागत की थाली सजा लूँ। क्या ये बॉक्स में चाची? इसमें ना अंगूठियाँ हैं, वो ज्वेलर को वापस करनी है, सैंपल के लिए भेजी थी ना, असली है, ध्यान से। अंकल जी,
अंकल जी पौने पांच बज गए, कहाँ है आपका लड़का, बुलाओ ना। एक मिनट। हाँ हेलो, अरे हाँ कहाँ पे हो आप, कब आओ? हद है, मैसेज ही नहीं किया। So good to see you. हम तो इंतजार करते ही रह गए आपका जगराते पे। पेरेंट्स नहीं है? डैड कहाँ है? तो पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको आने से मना कर दिया मैंने। और मॉम? मया जल्दी आओ, मौसी के पैर छुओ। लड़की भी नहीं आई, उसके मॉम डैड भी नहीं आए और डैड की तबीयत भी खराब है। फोटो में जूते दिख गए, परेशानी नहीं दिखी। आपके स्टेटस के हिसाब से तो बहुत कम है, पर अरमान तो बहुत महंगी चीजें देने के थे। आज का सबसे महंगा तोहफा है ये, आप इतने प्यार से लाई है ना तो ऑटोमेटिकली इसकी कीमत बढ़ गई। थैंक यू सो मच। अरे आंटी इसकी क्या जरूरत थी, हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटा पर रीति रिवाज तो निभाने पड़ते हैं ना। इश्की कहाँ है? उस दिन इश्की आई थी, आप नहीं थे, आज आप आए हो तो इश्की गायब है। जी वो आज थोड़ा लेट हो जाएगी आने में, क्योंकि वो सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है, वो अपनी नए जॉब के पेपर साइन करने गई है। इतनी अच्छी जॉब है तो वो खोना नहीं चाहती। लो जी, आजकल की लड़कियों के लिए नौकरी सगाई से बढ़ के हो गई है। I was worried all day. वो यहां से गई थी तो बहुत परेशान गई थी, लेकिन ये सब सिर्फ एक जॉब के लिए। कम से कम आज तो टाइम से आ जाती, उसकी खुद की सगाई है। आंटी बहुत जरूरी काम होगा इसीलिए इश्की गई होगी। जी वो भी जाना नहीं चाहती थी, पर क्या करें मजबूरी आ गई। I'm sure कि वो अभी टाइम पे आ जाए। तू क्यों सरपंच बन रही है, चुप। अरे दादी सोनू ठीक ही तो कह रही है, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता तो इश्की जाती ही नहीं। बहुत छोटी सी गलती है, प्लीज आप नाराज मत हो जाइएगा। अरे सरला जी की गाड़ी आ गई, चलिए। हाँ जी, ये सारी बातें बाद में होंगी, अभी चलते हैं बाहर। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी। तेरी फियांसे का मैसेज आया था, मैंने रिप्लाई कर दिया, सॉरी। इट्स ओके, डोंट वरी। अंकल जी आपके आधा घंटा कितने मिनट का होता है? कहाँ है आपका लड़का, मेरी सगाई, अगर मैं सगाई में देरी से पहुंची मेरी मासी को ताने सुनने पड़ेंगे। कहाँ है ये लो, आ गई आपकी अंगूठी। सॉरी वर्क कॉल, नीड टू टेक दिस। जल्दी आना। ढोल वाले कहाँ है? माने? आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ढोल वाले कहाँ है? है जी। जी कौन से ढोल वाले? होते तो फोटो अच्छी आती ना। हेलो आंटी जी। आई डोंट वांट हेलो हाय, आई वांट ढोल वाला। सरला जी कौन से ढोल वालों की बात कर रही हैं आप?
आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब मैं कोई फारसी में तो नहीं बोल रही कि आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, मैंने रात से कहा था तुझे कहने के लिए कि मुझे ढोल वाला वेलकम चाहिए। कहाँ है ढोल? आंटी आप नाराज मत होइए, मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ ना, मैं बुलाता हूँ, आ जाएंगे। तब तक मुहूर्त निकल जाएगा। ढोल बजाने का भी मुहूर्त होता है? तू चुप कर। तो एक काम करते हैं, सगाई पोस्टपोन कर देते हैं। हाँ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.